बहुत सारी हम वर्कशॉप्स की ऑफरिंग आपको लेके आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो हमने इस ट्रेनिंग ऑफरिंग को 3 सेगमेंट में, 3 चरणों में डिवाइड किया है। सबसे पहला चरण है उन सभी हमारे बिजनेस ओनर्स के लिए, बिजनेस पार्टनर्स के लिए, जिनका लेवल कंपनी में सुपरस्टार या उससे नीचे। और इनके लिए हम पूरी एक कैटेगरी लेके आ रहे हैं ट्रेनिंग की, जिसका नाम है IMC बेसिक ट्रेनिंग वर्कशॉप, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकेंगे IMC BTW। इसके बाद जो अगले लेवल का वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग आपको मिलेगी वो होगी हमारे सभी सिल्वर स्टार से लेकर के चेयरमैन स्टार एसोसिएट्स तक के लिए, जो कि होगी IMC एडवांस ट्रेनिंग वर्कशॉप, जिसको आप IMC ATW के नाम से जान सकते हैं। और तीसरा जो चरण है या सेगमेंट है, उसमें हम एक्सपर्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप देंगे, जो कि ETW के नाम से होगी, जहां पर आपको चेयरमैन अबव, सॉरी एम्बेसडर एंड अबव लेवल्स के लीडर्स के लिए ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हम करेंगे। तो आइए एक ग्लिम्स मैं दिखाता हूँ कि बेसिक ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में आपके लिए क्या क्या ऑफरिंग रहेंगी। यहाँ पर हम आपको 6 डेडिकेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रदान करने वाले हैं। इन 6 डेडिकेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहला सेशन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा वेलकम टू IMC WTI, जहां पर आप किसी भी नए व्यक्ति को जब कंपनी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसको क्या क्या बेसिक बारीकी जानने की जरूरत होती है IMC के बारे में, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आपको देंगे। इसका कंप्लीट मॉड्यूल हम आपको बना के देंगे। दूसरा जो प्रोग्राम होगा इस चरण में, इस सेगमेंट में, वो होगा फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिससे कंपनी में आपका रोजमर्रा का इंटरेक्शन होना चाहिए, कौन कौन से छोटे और बड़े से बड़े काम हैं जो आप खुद कर सकते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर देखना है, कैसे, जैसे भी आपको बता रहे थे सर कि हमारा एक नया पूरा सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसमें आपकी टिप्स पे होंगी सारी डिटेल, आपकी टीम कहाँ कहाँ है, आपकी टीम में कौन सा व्यक्ति कौन सा ऑफर क्वालिफाई कर रहा है, कितने बीवी कर चुका है, कितने बीवी से उसका ऑफर छूट रहा है या कितने बीवी करके वो कंप्लीट कर सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको हम डिटेल्ड में सिखाएंगे, जो आप अपनी टीम में लीडर्स को सिखा सकते हैं। इसके अलावा एक हम प्रोग्राम स्पेशल कर रहे हैं जिसका नाम है आयुर्वेदा अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आप। इस प्रोग्राम के अंदर आप मेजोरिटी जानेंगे कि आयुर्वेदा का हमारे हेल्थ पर क्या रोल है, और उसमें भी मेजोरिटी हम बात करने वाले हैं डिजीज और डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर, यानी बीमारियां और बीमारियों की रोकथाम कैसे आप अपने प्रोडक्ट के साथ करा सकते हैं। तो जब आप फील्ड में जाएंगे, सटीक प्रोडक्ट आप कस्टमर की जरूरत के हिसाब से दे सकते हैं। किसी कस्टमर के घर में अगर कोई पेशेंट है, कोई मरीज है किसी बीमारी का, आप उनको वो सटीक इलाज दे सकते हैं इस वर्कशॉप का हिस्सा बनके। इसके अलावा एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम रख रहे हैं जिसका नाम है FMCG प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो हमने हेल्थ का यानी आयुर्वेदा रेंज पूरी कवर कर ली अपने तीसरे चरण के सेगमेंट में, जिसमें आयुर्वेदा अवेयरनेस प्रोग्राम में कवर किया। हमारी जो बाकी हमारी रेंज है, जैसे कि स्किन केयर, जैसे कि पर्सनल केयर, होम केयर, बच्चों की रेंज जो है, ये सारी रेंज हम आपको देंगे FMCG प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर, जिसको FPT के नाम से हम जानते हैं जानेंगे। इसके अलावा एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होगा एग्रीकल्चर एंड वेटनरी प्रोग्राम, जिसको AVP आप कह सकते हैं, जहां पर आप अगर एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं या खेती बाड़ी से जुड़े हैं या किसानी से जुड़े हैं या पशुपालन से जुड़े हैं, तो आप इन डेडिकेटेड ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम एक प्रोग्राम आपको देंगे, बिजनेस बिल्डिंग प्रोग्राम, कि कैसे आप बिजनेस में तेजी से आगे बढ़े, क्या राइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपने बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है, डेप्थ पे कैसे काम करना है, विड्थ पे कैसे काम करना है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा सकते हैं अपने लेवल पर, वो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम आपसे यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो 6 चरण की ट्रेनिंग, वो सभी सुपरस्टार्स से नीचे के सभी लेवल्स के लिए मैंडेटरी होंगी आने वाले साल में, और ये हम आपको सब सिखाएंगे। इसके अलावा जो एडवांस ट्रेनिंग वर्कशॉप है, जैसे मैंने आपसे बोला, ये चेयरमैन तक लेवल के लीडर्स के लिए है, सिल्वर से लेके चेयरमैन तक के लिए। तो यहाँ पर जो ऑफरिंग है, वहां पर 5 आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है, जितने भी सिल्वर से लेकर के चेयरमैन तक के लीडर्स हैं वो इनको अटेंड करेंगे। पहला होगा बिजनेस प्लान मास्टरी, यानी बिजनेस प्लान की बारीकी को, डिटेल को आप समझेंगे। जो पहला सेगमेंट था उसमें आप समझ रहे थे कि आपको चेयरमैन कैसे जाना है, यहाँ पर आप समझेंगे कि आपको क्राउन प्रेसिडेंट और CP कैसे बनना है। क्राउन प्रेसिडेंट या CP बनने के लिए जो लीडरशिप होनी चाहिए आपके अंदर, लीडर सक्सेस मंत्रा के नाम से एक प्रोग्राम हम आपको देंगे, उसमें आप सीखेंगे आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए,
जब आप स्टेज पर खड़े हो, जब आप किसी मीटिंग में हो, जब आप किसी ऐसे फोरम में हो जहां पर आप अपनी कंपनी को और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके लिए मिलेगा। गो चेयरमैन वर्कशॉप होगी जहां पर आप सीखेंगे कि चेयरमैन कैसे बनना है, चेयरमैन बनने के क्या क्या स्टेप्स हैं, कितनी जल्दी अगले 6 महीने 3 महीने में मैं कैसे चेयरमैन का स्ट्रक्चर बनाकर चेयरमैन के लेवल को एक बार अचीव नहीं करूं बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर तय। को सिखाएंगे कि कैसे जो भी आप चेयरमैन लेवल पर हैं, जो भी आप एम्बेसडर लेवल पर हैं, आप कैसे कोहिनूर लेवल को आप अचीव कर पाएंगे अगले कुछ महीनों के अंतर्गत, कैसे अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करें, क्या एक कोहिनूर का माइंडसेट होता है, क्या टीम के हैंडलिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सारा कुछ हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। इसके अलावा क्वालिटी डुप्लीकेशन प्रोग्राम, एक स्पेशल प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है इस लेवल के लीडर्स के लिए, क्योंकि इन लेवल पर पहुंचने के बाद जो इम्पोर्टेंट होता है कि अपने जैसे लीडर्स को अपनी टीम में तैयार करना, तो वो क्या क्या बारीकियां हैं वो हम यहाँ पर डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर हम आपको जो एक प्रोग्राम देंगे जिसका नाम है सोशल मीडिया मास्टरी, यानी यहाँ पर आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे सोशल मीडिया के, कि जैसे आप देखते हैं यूट्यूबर्स या जो फेसबुक पर या जो व्हाट्सएप पे या जो ट्विटर पे या जो लिंक्डइन पे लोग अपनी प्रोफाइल के माध्यम से अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, वो सारी मास्टरी, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, आपको एक्सपर्ट बनाएंगे कि कैसे आप अकेले इंडिविजुअली बिना किसी हेल्प के सोशल मीडिया की मास्टरी करके इससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 चरणों की जो ट्रेनिंग है, इसकी डिटेल डिस्कशन इस वर्कशॉप्स में क्या होगा, इन प्रोग्राम्स में क्या होगा, आने वाली जो सर अभी आपसे बात कर रहे थे, अगले महीने जो हमारी एम्बेसडर है ना वो मीटिंग हो रही है, उसमें हम डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और बहुत जल्द अगले साल अगले महीने से आपको इनके ऊपर मॉड्यूल्स, इनके ऊपर ट्रेनिंग्स मिलने लग जाएंगी। तो अगेन मैं वही बात आपसे कहूंगा जो सर थोड़ी देर पहले आपसे बोल रहे थे कि अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, आपकी ट्रेनिंग टीम, आपकी कंपनी, आपकी मैनेजमेंट आपके लिए 24 घंटे खड़ी है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आपकी ग्रेट अपलायंस तो हमेशा आपके साथ खड़ी है, वो हमेशा जब भी आप पुकारते हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। उसके साथ साथ मैं आपको एश्योर करता हूं कि पूरी मैनेजमेंट आपके साथ खड़ी है, आपको कहीं भी डरने, घबराने या किसी से दबने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है। दोस्तों, जो मेरा अनुभव कहता है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वो एक ही चीज कहता है कि इस बिजनेस में वही लोग सफल होते हैं जो लगातार इंगेज रहते हैं। इंगेज से मतलब ये है, या तो वो प्रॉड ट्रेनिंग ले रहे हैं, या वो बिजनेस रिलेटेड नॉलेज ले रहे हैं, या वो अपनी स्किल को निखार रहे हैं, या वो प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं, या वो कस्टमर से मिल रहे हैं, या वो कैनोपी लगा रहे हैं, या वो होम मीटिंग कर रहे हैं, यानी दिन भर अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको दिन भर किसी ना किसी एक्टिविटी के साथ अपने आप को इंगेज रखना है। अगर आप इंगेज नहीं हैं, देन यू आर डिसइंगेज्ड, और इसको शुद्ध हिंदी में अगर बोलूं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी अगर आप काम में नहीं लगे हैं तो आपको कोई ना कोई बहका के चला जाएगा। और दोस्तों, इस बिजनेस में एक सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कोई भी व्यक्ति ऐरा गैरा आता है और हमें अपने मार्ग से पथभ्रष्ट कर देता है और हम आसानी से उसके पीछे चले जाते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी की बातों में नहीं आना है, अपना दिमाग लगाइए। आप सब एडल्ट हैं, हम सब एडल्ट यहां पर मौजूद हैं, हम सब अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बारे में सोचिए, कोई दूसरा क्या कहता है वो मत सोचिए। कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे मत भागिए, पहले अपना कान टटोलिए है कि नहीं है। यानी कि मैं यहां पर इससे ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप बिजनेस की जो बारीकियां हैं उसको समझिए। हमारे बिजनेस का आधार है प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट पे पहले ही चरण में आपको 3 सेगमेंट में सारे प्रोडक्ट के ऊपर तैयार करेंगे, यानी कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है,
दूसरा जो इस बिजनेस में सफल होने का मूल मंत्र है वो है 100% यूजर होना। बुरा मत मानिएगा, आज भी हमारी टीमों में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, जुड़े तो हमारे साथ हैं मगर साबुन, तेल, मंजन, शैम्पू, बिस्किट, चाय, मसाले, केचप बाजार के यूज करते हैं। तो पहला हमने ये करना है कर्तव्य कि अगर हम IMC के साथ जुड़े हैं तो 100% प्रोडक्ट के हम यूजर हों। और एटलीस्ट अब तो प्लान इतना इजी हो गया, मात्र 5 लाख के माध्यम से भी आप कंपनी में कोहिनूर बन सकते हैं। जो वेद सर हमारे कोहिनूर लेवल पर हैं, आप वो लेवल हासिल कर सकते हैं, टॉप मोस्ट लेवल हासिल कर सकते हैं। करना सिर्फ एक काम है कि अपने जो 5 फ्रंट में लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ले लीजिए। सर आपसे बात कर रहे थे, बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी अकाउंटेबल। तो जिम्मेदारी उठाना सीखिए और जिम्मेदारी नीचे टीम में लोगों को लेना सिखाइए। यही क्वालिटी डुप्लीकेशन है। अगर मैं मोटा मोटा आपसे बात करूं तो जहां आप जिम्मेदारी लेंगे और लोगों को जिम्मेदार बनना सिखाएंगे तो दोस्तों ये सफर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट यूज करने का है और प्रोडक्ट यूज कराने का है। आप अभी भी देखेंगे आपकी LOSs में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज से 6 महीने, 3 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल से आपके साथ जुड़े हैं मगर आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे। पहले इंश्योर कीजिए कि आपको प्रोडक्ट के बारे में भरपूर जानकारी हो और फिर इंश्योर करिए, उनसे बात करिए, उनसे फोन मिलाइए और उनसे बोलिए कि कोई बात नहीं, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट आप इन प्रोडक्ट को अपने घर में जगह तो दे सकते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे। इस चीज के साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप शुरुआत करें, आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। बात करने से ही बात बनती है, मुश्किल ये है कि हम बात करने से घबराते हैं। अगर बात करने से ही बात बनती है तो फिर बात करने में दिक्कत क्या है? बात करने में दिक्कत क्या है? जब हम लोगों से बोलेंगे कि अरे वेद सर आप इतने अच्छे मेरे दोस्त हैं, आप इतने समय से IMC में जुड़े हैं, आप कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, क्या एटलीस्ट एक साबुन को अपने घर में जगह नहीं दे सकते? क्या एक शैम्पू को एक घर में जगह नहीं दे सकते? क्या एक बिस्किट और चाय को मेरी आप अपने घर में जगह नहीं दे सकते? क्या लगता है अगर वेद जी या आप में से कोई भी मेरा एक अच्छा दोस्त है और मैं ये बात कहता हूं, क्या आप मुझे मना कर सकते हैं? 99% चांस होगा आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे। हाँ, 1% अधिकार तब भी आपके पास रहेगा, वो होना भी चाहिए, सब व्यक्ति स्वतंत्र हैं। मगर क्या हमने अपना 99% एफर्ट लगाया? 1% उसका एफर्ट हमारे ऊपर जबरदस्ती भारी पड़ जाता है क्योंकि हम 99% अपने एफर्ट को यूज ही नहीं करते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला, कल हमारी पहली क्लोजिंग है मंथ की, 15 तारीख है, कल कंसिस्टेंसी का लास्ट मंथ है, लगभग 800 से ज्यादा लोग आज यहां पर थे। मेरी आपसे स्ट्रॉन्ग अपील है, इंश्योर करिए इस मीटिंग के बाद इमीडिएटली चेक करिए अपना पैनल। आपको तो खैर वैसे ही पता होगा कि आपने परचेजिंग करी है नहीं करी है, अगर नहीं करी है तो इंश्योर करिए कि अपनी 1000 BV तो मिनिमम आपकी कल तक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए। और आपकी ही नहीं, फोन लगाइए, आज रात पूरी पड़ी है, कल दिन पूरा पड़ा है, आप अपने कोशिश कीजिए, एक प्रण लीजिए कि आज मैं कम से कम 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को कल तक मैं फोन घुमाऊंगा जो अभी तक कुछ नहीं ले रहे, और उनसे इमोशनली बात करूंगा कि मैं एक व्यापार कर रहा हूं, मेरे इस व्यापार में सपोर्ट करने के लिए कम से कम 2-3 हजार रुपए के प्रोडक्ट जो हर महीने आप बाजार के यूज करते हैं एटलीस्ट IMC बिजनेस के शुरू के लिए यूज करना। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, हो सकता है पहली बार में आपको 1000 BV का नहीं मिलेगा, 3000 रुपए का कोई ऑर्डर नहीं देगा, मगर 500 रुपए का, 700 रुपए का, 800 रुपए का, 1000 रुपए का दे देगा। अगर 500 से भी शुरुआत होती है, अगले महीने 500 को आप 1000 कर सकते हैं, उस 1000 को उसके अगले महीने 1500 कर सकते हैं, उस 1500 को अगले महीने 2000 पहुंचा सकते हैं, और 2000 एक दिन वो 3000 से ऊपर पहुंच जाएगा और वो व्यक्ति आपका 1000 BV कंसिस्टेंसी में आपके साथ आ जाएगा। और सोचिए अगर आपकी टीम में 50, 60, 100 लोग अगर ऐसे हैं जो जीरो पे बैठे हैं और अगले 3 महीने में आपने इस प्रक्रिया से भी उनको 1000 BV पर अगले 3-4 महीनों में ले आए, तो एक साथ आपको 3-4 महीने में 50,000 नई बीवी मिलेगी, यानी नए बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि इस चीज को हल्के में ना लें मगर इसको इंप्लीमेंट करें, और जहां आपने इंप्लीमेंट कर दिया इसका रिजल्ट आज नहीं तो कल, कुछ लोगों को रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, कुछ लोगों को थोड़ा समय लग सकता है, बस देर इतनी ही होगी और कुछ नहीं होगी, बट शुरुआत करना जरूरी है। आज से 3 महीने बाद हम शुरुआत करेंगे तो हो सकता है उसके बाद 3-4 महीने लगे, मगर आज हम शुरुआत करेंगे तो वो 3 महीने हम इधर ही पूरे कर सकते हैं और अगला साल 2024 आपके जीवन में जबरदस्त जबरदस्त क्रांति ला सकता है। इस छोटी सी चीज को भी अगर आप इंप्लीमेंट कर दें तो आपने अपने जो भी सपने संजोए हैं अभी तक
जिनको आप पूरा करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस डेप सेलिंग के माध्यम से, IMC कंपनी के माध्यम से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उसको पूरा कर सकते हैं। बट इस दौरान लास्ट बस एक ही चीज कहूंगा कि किसी को भी अपने पथ को भ्रष्ट मत करने दीजिए, किसी को भी आपके सपनों को चुराने मत दीजिए। लास्ट में बस एक ही चीज मैं और इसको एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूंगा कि चीता और हिरन, अगर आप इन दोनों के एग्जाम्पल को याद रखें कि चीता 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, फिर भी वो 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले जानवर को खा जाता है। उसका कारण सिर्फ यही है, हिरन को अपनी स्पीड पर भरोसा नहीं होता। वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि अरे शिकार तो नहीं कर लेगा, चीता मेरे पीछे दौड़ रहा है। और उस पीछे मुड़ने के दौरान उसकी स्पीड एक समय ऐसा आती है कि वो 58 किलोमीटर से भी कम हो जाती है, जबकि उसको भगवान ने स्पीड 85 किलोमीटर की दी। और वही क्षण होता है, वही मोमेंट होता है जहां पर वो शिकार हो जाता है। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, हम भी शिकार हो जाते हैं। जब कोई आके कहता है कि इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ये कंपनी अच्छी, वो कंपनी अच्छी, यहाँ ऐसा नहीं है, वहां ऐसा नहीं है, आपकी अपलाइन गड़बड़ है, आपकी कंपनी गड़बड़ है, आपका मैनेजमेंट गड़बड़ है, वो सारे लोग आपको पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास स्पीड तो है 85 किलोमीटर प्रति घंटे की, मगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आप पीछे मुड़ मुड़ के ऐसे लोगों की तरफ देखते हैं। और वही एक पल होता है जब आप अपने डिसीजन से डगमगा जाते हैं, आप अपने डिसीजन पे ही शक करने लग जाते हैं, और वही उस व्यक्ति की जीत हो जाती है। तो दोस्तों डिसाइड आपने करना है कि आप यहाँ खुद जीतने के लिए आए हैं या दूसरों को जिताने के लिए आए हैं। और अगर आप खुद जीतने के लिए आए हैं तो भगवान ने आपको भी स्पीड जो दी है वो 85 किलोमीटर प्रति घंटे की दी है, और भगवान ने आपको जो फोकस दिया है वो भी चीते के मुताबिक दिया है। मगर दिक्कत ये है कि ना हम स्पीड हिरन की रख पाते हैं और ना फोकस चीते के मुताबिक रख पाते हैं, और इसीलिए शायद बिजनेस में सफलता हमसे दूर रहती है। जिस दिन आपने इन दोनों चीजों का ध्यान रख लिया और इन दोनों चीजों का अनुपालन शुरू कर दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो लेवल, जो पिन, जो इनकम चाहते हैं वो सब इस प्लेटफॉर्म से आप अर्न कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, क्योंकि आपके ग्रेट लीडर यहाँ पर जयप्रकाश जी हैं, यहाँ पर रावत जी हैं, यहाँ पर वेद जी हैं, ये सारे लोग चरितार्थ कर चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एम्बेसडर भी बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर हैं, तो ऐसे सारे लोग कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका साल 2023 बहुत अच्छा गया होगा, और लास्ट दिसंबर मंथ भी अच्छा, बहुत अच्छा जाए, और अगले महीने की शुरुआत की नींव इसी महीने से हम रख दें, जिससे कि हमारा साल 2024 ऐसा हो जो शायद जो हम 23 में नहीं भी कर पाए, कोई बात नहीं, बट कुछ लर्निंग हमारी रही हुई होगी, कुछ हमने सीखा होगा, कुछ हमने अनुभव लिए होंगे, उन सारे अनुभवों के साथ हम आगे बढ़ें और साल 2024 को अपने लिए एक यादगार साल के रूप में अपने जीवन में और IMC के इतिहास में रजिस्टर कर दें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सब इतने समय तक जुड़े रहे, आप सब पेशेंटली इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। थैंक यू सो मच स्पेशली वेद जी का, जिन्होंने ट्रेवल में होने के